नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मीना। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल मारवाड़ी कुक विद मीना में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा घरेलू नुस्खा शेयर कर रही हूँ जो हमें इस गर्मी के मौसम में लू लगने से तो बचाता ही है, और साथ ही साथ अक्सर आपने देखा होगा ये जो हमारे घर में छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे होते हैं, इनके नाक से अचानक से एकदम से नकसीर फूटना शुरू हो जाती है, तो हम अचानक से घबरा जाते हैं कि अब हम ऐसा क्या करें कि जल्दी से इनको इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सके। तो इसके लिए मैंने ये मुनक्का ली है। देखिए, ये मुनक्का है। एक तो वो होती है ना किशमिश छोटी वाली, तो ये मैंने किशमिश नहीं ली, ये मैंने मुनक्का ली है। तो ये मुनक्का लेकर अक्सर ये प्रॉब्लम बच्चों में, बड़ों में, सभी में हो जाती है। तो ये मैं बड़ों के लिए बता रही हूँ। अगर हमें बच्चों के लिए तैयार करना है ये नुस्खा, तो हमें मुनक्का के ये 4 दाने लेने हैं, और बड़ों के लिए हमें 8 से 10 दाने लेने हैं। तो ये हमें ऐसे 10 दाने लेकर ये साफ़ पानी में इनको धो लेना है अच्छे से, ताकि इसकी सारी गंदगी बाहर निकल जाए। और इनको धोकर ये मैंने किसी एक बर्तन में लेकर मैंने एक कप लिया है, तो हम इसमें साफ़ पानी डाल देंगे। और ये मुनक्का भी इसमें डाल देंगे, और इसको रात भर ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। रात भर इसको भीगने देंगे और इसको ढककर रख देंगे, और सुबह उठकर खाली पेट हमें इसका सेवन करना है। ये मुनक्का के दाने पानी में से निकालकर पहले हमें इनके बीज निकाल के फेंक देने हैं, फिर मुनक्का खा लेनी है, और ऊपर से हमें यही पानी पी लेना है। पानी में भीगने के बाद दोस्तों मुनक्का की तासीर बहुत ठंडी हो जाती है, और 1-2 दिन में ही हमें इसका फ़र्क महसूस हो जाता है, नाक से नकसीर आना बंद हो जाती है। ये बहुत अचूक नुस्खा है दोस्तों, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है, इसीलिए मैं इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और हमें लू लगने से भी बचाता है। इसके लिए हमें मुनक्का हम 8-10 दिन तक लगातार खा सकते हैं, पर ये बहुत ठंडी होती है। आपके घर में, परिवार में, मित्रगणों में अगर कोई भी इस तरह की समस्या से परेशान है, तो आप इसको नुस्खा शेयर कीजिए, ताकि किसी का भला हो सके। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको पसंद ना आए तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।